तंत्र का भाग्य विधाता बने जागरूक हर मतदाता। भारत निर्वाचन आयोग लेकर आया है वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी VVPAT। इस बार जब आप EVM में अपने पसंद के प्रत्याशी का बटन दबाएं तो ध्यान रखें, EVM पर पसंद के प्रत्याशी के नाम के सामने लाल बत्ती जलेगी और ठीक उसी समय EVM के बगल में रखे हुए VVPAT के प्रिंटर में एक पर्ची छपती है। 7 सेकंड बाद तक यह पर्ची स्वयं कटकर बॉक्स में गिर जाती है। उसे देखकर यह सुनिश्चित कर लें कि पर्ची पर आपके द्वारा चुने गए प्रत्याशी की क्रम संख्या, प्रत्याशी का नाम एवं उसका चुनाव चिन्ह दर्ज है। ये इस बात का सबूत है कि आपका वोट आपके पसंद के प्रत्याशी को ही गया है। यह जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। लोकतंत्र का भाग्य विधाता बने जागरूक हर मतदाता। देखते ही देखते हमारी बिटिया 18 साल की हो गई है और अब तो वो कानूनी रूप से मतदान करने लायक भी हो गई है। पर ये मतदान होता कैसे है? मुन्नी, मतदान EVM मशीन से होता है। EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसके बैलेट यूनिट पर प्रत्याशी का नाम और चुनाव चिन्ह होता है। सबसे पहले हमें अपने पसंद के प्रत्याशी का नाम और चुनाव चिन्ह देखकर उसके सामने लगे बटन को दबाना है। इससे हमारे पसंद के प्रत्याशी के सामने की लाल बत्ती जल जाएगी। अब EVM में ही एक और मशीन जुड़ी होती है जिसे VVPAT यानी वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल कहते हैं। EVM के पास रखी VVPAT मशीन के प्रिंटर से एक पर्ची छपेगी जिसमें हमारे द्वारा चुने हुए प्रत्याशी की क्रम संख्या, नाम और चुनाव चिन्ह छपा होगा, जिसको देखकर हमें पता चल जाएगा कि हमारा वोट हमारे पसंद के प्रत्याशी को ही गया है और 7 सेकंड बाद पर्ची खुद ही कटकर बॉक्स में गिर जाएगी। तो देखा बिटिया, मतदान करना आसान भी है और हमारा सबसे बड़ा अधिकार और जिम्मेदारी भी। आप भी मतदान जरूर करें और अपने अधिकार का सरलता से प्रयोग करें। हमारा मतदान हमारा अधिकार। भैया, इस बार चुनाव में EVM के साथ VVPAT भी उपयोग होने वाला है। भैया, ये VVPAT क्या होता है? अरे काका, जरा यहाँ आकर हमें VVPAT मशीन के बारे में तो बता दो। हाँ बेटा, इस बार VVPAT भी उपयोग होना है। VVPAT मशीन द्वारा हमें ये पता चलता है कि हमने जिस प्रत्याशी को वोट दिया है, हमारा वोट उसी प्रत्याशी को मिला है या नहीं। अच्छा, तो ये है VVPAT मशीन। चलो भाइयों, हम सब भी EVM और VVPAT का उपयोग करके अपना वोट डालकर आते हैं। अपने पसंद के प्रत्याशी का बटन दबाएं तो ध्यान रखें, EVM पर प्रत्याशी के नाम के सामने वाली लाल बत्ती जलेगी, बीप सुनाई देगी और ठीक उसी समय EVM के बगल में रखे हुए VVPAT के प्रिंटर में एक पर्ची छपेगी। छपने के बाद लगभग 7 सेकंड तक यह पर्ची पारदर्शी खिड़की में लटकी रहेगी। आप उसे देखकर यह सुनिश्चित कर लें कि पर्ची पर आपके द्वारा चुने गए प्रत्याशी की क्रम संख्या, प्रत्याशी का नाम एवं उसका चुनाव चिन्ह दर्ज है। यह इसका सबूत है कि आपका मत आपके द्वारा चुने गए प्रत्याशी को ही गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला स्वीप अध्यक्ष जिला आगर मालवा द्वारा जनहित में जारी।